एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज महक। तो आज हमें पापा से कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं पापा को इनवाइट करती हूँ सेशन शुरू करने के लिए। थैंक यू महक। तो नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के अगले पड़ाव के बारे में। इससे पहले जो पिछला वीडियो जो था उसके अंदर हमने फ्रैक्शन के शुरुआती चीजों के बारे में बात करी थी, जैसे कि फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, भिन्न को कैसे दर्शाते हैं, जैसे चित्र के रूप में कैसे दर्शाते हैं भिन्न के जो पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 3/4, जैसे इसको चित्र के अंदर कैसे दर्शाना है, कलर्ड जो पार्ट होता है वो कितना फ्रैक्शन का पार्ट है, कितना भिन्न का पार्ट है, वो हमने पिछली बार सीखा था। और ये भी सीखा था कि फ्रैक्शन समझाते समय बच्चों को उनकी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस देना जरूरी है और कुछ करके देखने के मौके जरूरी होने चाहिए। तो हमने पेपर की मदद से या बाकी जो एग्जाम्पल लिए थे उनकी मदद से समझाने की कोशिश की थी कि फ्रैक्शन क्या है। आज जो है उसके आगे की बात करेंगे। ये जो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो इसका जो लिंक है हम उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट ये कि ये वीडियो जो आप देख रहे हो इसके साथ में वो वीडियो देखेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। और उम्मीद है कि ये जो आज हम बना रहे हैं वीडियो, ये ना केवल टीचर्स के लिए, ये अगर बच्चे भी इसको देखेंगे सीधे रूप से तो बच्चे को भी ये फायदा होगा। आज कोरोना के टाइम पे या इस लॉकडाउन के टाइम पे बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं तो घर पे रह के वो अपनी कैसे नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि बच्चे इन चीजों को सीखें, टीचर्स को ये फायदा हो, टीचर्स इन चीजों को लेके जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं इनको अपने बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों की लर्निंग जो है वो रुके नहीं, कंटिन्यू हो जाए। तो लॉकडाउन से लर्निंग रुकने वाली नहीं है, वो वैसे की वैसे चलनी चाहिए जैसे पहले चल रही थी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हमने ये सब चीजें के बारे में बात करी थी, मैं एक बार थोड़ा सा अगर रिपीट करूं कि जैसे ये है, तो ये भी चित्र क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो कोशिश आप मान के चलो कि ये सब 1, 2, 3, 4 ये बराबर बराबर भाग है। अब बच्चों से ये पूछने की भैया इसको 3/4 भाग इसके दर्शाओ, है ना, उस तरह की चीजें हमने करी थी। या पहले से ही अगर दर्शाया हुआ है, जैसे ये है एक चित्र जिसमें पूछ ले कि छायांकित भाग को भाग को भिन्न के रूप में दर्शाओ। तो ये चित्र देखे हम कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग है, जो शेडो किया हुआ पार्ट है उसको आप भिन्न के रूप में दर्शाओ, फ्रैक्शन के रूप में दर्शाओ। इतना हमने पिछली बार किया था। अब इससे आगे एक चीज आती है कि भाई अनुचित भिन्न क्या होती है, ये सबने सुना होगा, और या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब ये हमने पढ़ा था हमने, पर ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों लिखा जाता है भाई, इसका मतलब क्या है। ये 5/4 5/4 ये अनुचित कैसे है, तो क्या भिन्न भी अनुचित होती है, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब ये वीडियो आपके पास आए तो इसको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप कुछ फीडबैक नहीं दे सकते ना। तो पूरा देखने के बाद आप जरूर फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में जाके, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें बाकी लोगों तक। जितने ज्यादा इसके ऊपर कमेंट आएंगे, जितने ज्यादा इसके ऊपर हमें उनके विचार जानने को मिलेंगे, उसी हिसाब से आगे की तैयारी की जा सकती है। तो वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि ये अनुचित भिन्न क्या है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इसको देख के क्या समझ में आया था, 5/4 ये एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने ये समझा है फ्रैक्शन का मतलब कोई एक चीज जो पूरी होती है और वो चीज
बराबर बराबर भागों में बटी होती है। जैसे यहां पे अगर हम कह रहे हैं कि ये 5/4, यानी कि जो नीचे जो चार है ये कोई एक चीज है जिसके पूरे बराबर बराबर चार भाग है। अलग अलग चार भाग नहीं हो सकते, ध्यान रखना, कोई एक भाग छोटा एक भाग बड़ा ऐसा नहीं हो सकता, उसको फ्रैक्शन आप बोल नहीं सकते। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं कि ये एक पेपर है और उसको चार भागों में बांट रखा है, तो यानी कि ये एक पूरी एक चीज है जिसको चार छोटे छोटे भागों में, लेकिन चारों के चारों बराबर है, इसमें बिल्कुल भी गठन बढ़त नहीं है। तो अब बात यह कि 5/4 का क्या मतलब है, तो जब हमारे पास एक चीज है और उसके भाग ही चार हैं, तो इसमें पांच कहां से आएंगे, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि इन्हीं चार को हम पांच में डिवाइड करें? नहीं, 5/4 का मतलब है कि कोई एक चीज है जिसके चार भाग हैं, तो ये एक चीज को चार भाग हो गए, तो ये तो चीज हो गई कंप्लीट, ये मैंने यहां पर रख ली। तो यानी कि एक चीज है जिसके चार भाग है बराबर बराबर, उसके 5/5 चीजों की बात कर रहा है, पांच उसी तरह के पार्ट की बात कर रहा है, पांच उसी तरीके के भागों की बात कर रहा है जो बराबर बराबर भाग है। तो चार भाग तो हमने यहां से ले लिए थे, अभी पांचवा भाग कहां से लाए? इसका मतलब है कि पांचवा भाग लाने के लिए ऐसा ही समान दूसरा पेज चाहिएगा हमको, और उसमें से एक भाग लेना है इसका। चार तो हमारे पास ही आ ही गए और एक इनके जैसा सेम लेना है, देख रहे हो? तो यानी कि जब 5/4 की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई एक चीज है जो चार बराबर भागों में है, और अगर 5/4 की बात है तो ये चार भाग हो गए, हमें पांच भाग चाहिए, वैसे ही भाग चाहिए उसी तरीके के, तो इसका मतलब जो पूरी चीज होगी वो भी उतनी ही बड़ी वैसी की वैसी होनी चाहिए, उससे छोटी। जैसे ये है वो तो उतने बड़ा पेपर है और ये वाला छोटा वाला पेपर है, अब हम कहें कि चार भाग तो वो हो गए और एक भाग इसमें से ले लेते और हो जाएंगे 5/4, ये सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं होंगे। आप रख के देख लो, ये देखो, अब ये भाग कितना बड़ा है और ये भाग कितना छोटा है, तो ये तो बिल्कुल ही न्याय नहीं होगा। अगर बांटना है किसी व्यक्ति को, अगर 5/4 चाहिए तो ये तो 5/4 नहीं माना जाएगा, इसलिए वैसा का वैसा पेपर चाहिएगा। तो चार भाग ये हो गए, एक भाग इसमें से फिर से ले लेंगे, तो इसका मतलब फिर उसको पांच भाग मिल जाएगा। जैसे ही पांच भाग मिले, इसका मतलब उसको एक तो पूरी चीज मिल गई और एक उसी के जैसी एक और चीज मिल गई। इसको एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं, जैसे कि घर में मान लीजिए रोटियां हैं, तो अगर कोई कहता है कि मुझे 5/4 रोटी चाहिए, है ना, इसका मतलब अगर दो रोटियां हैं तो वो तो दोनों के दोनों बराबर रोटियां होनी चाहिए, वो छोटी बड़ी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, गोलाई में मोटाई में। फिर एक रोटी के बराबर बराबर चार भाग होंगे, तो यानी कि वो दोनों रोटियां वो बराबर बराबर चार भागों में बटी होंगी, उनमें से एक रोटी के चार भाग पूरे के पूरे ले लिए आपने, अब जो बची है रोटी उसमें से कितना भाग लेना है? एक और लेना है, यानी कि आपको दूसरी रोटी में से लेना पड़ेगा, उस एक ही चीज में से या उस एक ही रोटी में से आप नहीं ले सकते। तो अनुचित भिन्न इसलिए इसको बोलते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं, भाई यहां पे जो पार्ट है वो इस कुल पार्ट का, ये टोटल पार्ट होता है किसी एक चीज का, टोटल पार्ट है, इससे अगर ये चीज कम है तो कहते हैं भाई वो उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन अगर इस तरह से है तो उसको वो इम्प्रॉपर बोलते हैं। लेकिन हमको समझना है कि ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि भाई अनुचित भिन्न अगर 5/4 है, इसका मतलब ही है कि कोई एक चीज जिसके चार भाग है, ऐसी ही हमको दो चीजें चाहिएंगी। और इस तो ये मुझे लगता है कि अभी समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर आप देखो इसको, ये बराबर बराबर है, ये अगर बराबर बराबर नहीं होंगे तो फिर इस तरह से बंटवारे का कोई मतलब नहीं है, ये बराबर नहीं है,
तो अगर इसमें से एक पार्ट अपन ने दे दिया होता तो बेईमानी हो जाती और इस तरह से उस व्यक्ति को पूरी बराबर चीज नहीं मिलती। मान लो जैसे मैंने रोटी का एग्जाम्पल लिया, एक रोटी तो बड़ी हो उसके चार भाग है और दूसरी रोटी छोटी सी हो और उसके भी चार भाग है और हम कहें कि आपको हमने 5/4 भाग दे दिया, एक बड़ी रोटी में से चार भाग दे दिया ऐसे कैसे पूरे के पूरे और छोटी रोटी में से छोटा सा निकाल के दे दिया, तो उससे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे इसी तरह से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आप ये समझ में आया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न क्या है और क्यों इनको इस तरह से लिखते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम ये समझेंगे कि इस तरह की भिन्न का जब टोटल करते हैं, योग करते हैं, तो कैसे टोटल करेंगे, उनमें किन चीजों का ध्यान रखना है, तो वो सब हम अगले वीडियो में, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये ऐसे भी हो सकता है ना, इस तरह के सवाल ये हम अगली बार समझेंगे। थैंक यू मैक आज के सेशन की सारी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके थैंक यू पापा, आपने इतनी सारी नॉलेज शेयर करी और मेरे को आज अच्छे से समझ में आ गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और आपने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और उम्मीद है आपको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो और लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।